जी, तो अभी हम लोग जो एबटाबाद से पहले जो हमें टनल मिलती है 394 मीटर्स, टनल नंबर 2 का इसको नाम दिया गया है। इस टनल में हम लोग एंटर होंगे। ये टनल 394 मीटर की है और इसमें बात जो बतानी की है वो ये है कि इसमें बिजली नहीं है। जी हाँ, ये नहरी टनल है और यहाँ पे आपको जब एंटर होंगे तो आपको लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए। और स्पीड लिमिट जो टनल के लिए दी गई है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। आपने अगर नॉर्मल डेज में जिसमें बारिश नहीं हो रही तो आपने 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस टनल के अंदर ड्राइव करना है, इस टनल और इससे आगे आने वाली टनल में भी। और अगर बारिश है तो बारिश के दिनों में इसकी स्पीड लिमिट हो जाती है 30 किलोमीटर फी घंटा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे आम दिनों में खुश्क मौसम में 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ऊपर की ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि ये टनल का अंदर का जो ट्रैक है ये काइंड ऑफ आपको थोड़ा शाइनी मिलता है, आपको ऐसा फील आता है कि थोड़ा स्लिपरी ट्रैक होगा। तो इसलिए एहतियात कीजिए ड्राइव करते हुए कि टनल के अंदर जब आपने ड्राइव करनी है, स्पेशली ये हजारा मोटरवे के ऊपर जो दो टनल्स आती हैं, तो आपकी जो रफ्तार होनी चाहिए हद रफ्तार वो 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर बारिश है तो फिर 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आपने ड्राइव करनी है। तो ये पहली टनल हम लोगों ने क्रॉस की है जो कि थी 394 मीटर्स, 394 मीटर की। और इसके बाद जो टनल आने वाली है वो इससे थोड़ी सी बड़ी होगी टनल, इससे थोड़ी सी थोड़ा सा लंबा ट्रैक है और उसमें भी हद रफ्तार यही है, सेम ही है कि आपने 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से खुश्क मौसम में आप ड्राइव कर सकते हैं, और बारिश अगर हो रही है तो आपने 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उसके अंदर से ड्राइव करना है। अच्छा, जो नेक्स्ट आने वाली टनल है उसमें बिजली का कनेक्शन है और वहाँ पे आपको रोशन मिलती है। वो शुरू के दिनों में उन्होंने फुल फ्लैज लाइट्स ऑन की हुई थी, अभी एक के बाद एक इन्होंने एक ऑन है, एक ऑफ है, एक ऑन है, लेकिन उसकी वजह से टनल आपको सारी की सारी रोशन मिलती है। और जो सेकंड जो आने वाली टनल है वो उसके बारे में ये है कि वो शिमला पहाड़ी के नीचे से आई थिंक गुजारी गई है। उसके ऊपर अभी भी आबादी है, आपको नजर भी आएंगे शायद एक दो घर जब हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके नीचे से ये टनल गुजारी गई है, बड़ी खूबसूरत मंजर पेश करती है वो वाली टनल भी। और क्योंकि इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है तो वैसे ही आपको अट्रैक्ट करता है, खूबसूरत है, ग्रीन है, ग्रीन पहाड़ जो है ना वो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे ज़्यादा पसंद है। अभी मैं रिसेंटली उसके वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगा स्कर्दू वाली साइड का। स्कर्दू में आपको मोस्टली खुश्क पहाड़ नज़र आते हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो जितना भी पहाड़ी इलाका है वो सारा का सारा खुश्क है। ये वाले पहाड़ जो है ये आपको पता है कि हज़ारा बेल्ट वैसे ही सारा ग्रीन एरिया है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन सब्ज़ पहाड़ जो है वो नज़र आते हैं दरख्तों की वजह से और घास वगैरह, और ये क्योंकि मैं बीच में ज़री ज़मीन भी आ जाती है तो फसलें वगैरह भी जो है वो यहाँ पे उगती हैं और काश्त की जाती हैं। दूसरी टनल की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं, दूसरी सेकंड टनल जो है इसके ऊपर आपको नजर भी आएगा शायद वीडियो में कैप्चर हो सके, स्लो डाउन स्पीड कैमरा अहेड लिमिट 60 किलोमीटर। तो अगर इनकेस अगर आज बारिश होती तो यहाँ पे 30 किलोमीटर मेंशन होता। 1765 मीटर की है ये, पौने दो ऑलमोस्ट किलोमीटर बनते हैं, 1765 मीटर की ये टनल है और स्पीड लिमिट खुश्क मौसम 60 और बारिश का लिखा हुआ है 30 किलोमीटर। तो ये अब हम एंटर हो गए हैं इस टनल के अंदर। देखें अब आज तो कुछ ज़्यादा ही लाइटें कम की हुई हैं इन्होंने, एक एक लाइट सिर्फ आपको लेफ्ट पे नज़र आ रही है। कैट आइज जो है वो ऑन है तो आपको ट्रैक का आइडिया हो जाता है। और बहरहाल इतनी रोशनी भी जो है वो आपको विजिबिलिटी के लिए काफ़ी है अगर आपकी स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर फी घंटा है। ट्रैक आपको यकीनन वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि जो बाहर वाला जो ट्रैक है उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा शाइनी आपको फील आता है इसके अंदर और ऐसा महसूस होता है कि यार अगर मैंने यहाँ पे सडन ब्रेक या मुझे एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है तो गाड़ी स्किट हो सकती है। इसी वजह से इस की जो स्पीड लिमिट इस टनल के अंदर रखी गई है वो 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार इसकी रखी गई है। और बारिश के दिनों में क्योंकि मजीद स्लिपरी हो जाता है, पानी टायरों के साथ अंदर आता है तो टनल भी थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। टनल के अंदर ऐसे पानी नहीं आता लेकिन आपके जो गाड़ी के टायर्स हैं उनके साथ जब आप दाखिल होते हैं तो वो आपका ट्रैक थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो इसलिए उसमें आपने स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है कि वो 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आपने ड्राइव करना है। टनल के अंदर वैसे जब आप एंटर होते हैं तो आपका कंट्रोल थोड़ा सा लूज हो जाता है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है, तो आपने अपने स्पीडोमीटर के ऊपर जरूर ध्यान रखना है कि उसकी लिमिट जो है वो 60 से ऊपर ना हो, फॉर योर सेफ्टी ओनली। ठीक है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए भी और आपके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी और जो रोड पे बाकी लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी। ये टनल होगी जनाब खत्म और इसके फौरन बाद हमें 100 किलोमीटर पर आवर का
बोर्ड नजर आता है कि अब हम लोग स्पीड लिमिट जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। एबटाबाद से हम लोग ये निकल गए हैं, हमारे लेफ्ट हैंड पे भी थोड़ी देर बाद जो आपको शायद पुराना ट्रैक इस वीडियो में कैप्चर हो सके तो वो आपका सलड का इलाका शुरू हो जाता है और सलडा क्रॉस करते हैं तो फिर उसके बाद हमें जो इसके बाद इंटरचेंज मिलता है वो हवेलियाँ और एबटाबाद दोनों के लिए इंटरचेंज है। एबटाबाद सिटी के अंदर कोई इंटरचेंज नहीं दिया गया, या तो एबटाबाद जाते हुए अगर आपने एबटाबाद जाना है तो आप या तो ये हवेलियाँ मोटरवे इंटरचेंज जो है एक्सप्रेसवे इंटरचेंज यहाँ से आप एग्जिट करके एबटाबाद सिटी में जा सकते हैं, या फिर आपको वो जो मैंने पहले कलंदराबाद वाला इंटरचेंज बताया था आप वहां से एग्जिट करके राइट लेके आप एबटाबाद सिटी में जा सकते हैं। एबटाबाद सिटी के अंदर डायरेक्टली आपको कोई भी इंटरचेंज नहीं उतारता, मेन जो इंटरचेंज है वो ये एबटाबाद से पहले है या एबटाबाद सिटी के बाद है। तो लेफ्ट हैंड पे आपको शायद एक दो गाड़ियां नजर आए, वो बड़ी सी बिल्डिंग और वो ये एबटाबाद का अड्डा क्रॉस करने के बाद जो ट्रैक है ये वो वाला है, पुराना जो अड्डा है एबटाबाद का सर, और पुराना ट्रैक जो है ये आपको नजर आएगा लेफ्ट हैंड के ऊपर, ये जहाँ पे अभी एहतशाम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे सारी पहाड़ शहाड़ आ गए तो आपको ये ट्रैक कहीं कहीं आपको ये ट्रैक नजर आने को मिलता है, जैसे कोई खाई वगैरह या इस तरह का एरिया जिस तरह अभी आया है तो आपको वो पुराना ट्रैक दिखेगा और फिर उसके बाद ये छुप जाता है, फिर पहाड़ आ जाते हैं। ये जनाब ये पुरानी आबादी और वो पुराना ट्रैक आपको शायद नजर आए इस वीडियो के अंदर। ये अपने बाद सलट का इलाका है, ये हम जैसे क्रॉस करते हैं तो फिर हमें जो अगला इंटरचेंज मिलेगा वो हवेली इंटरचेंज होगा।